विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग। 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। कांडी से अरुण चौबे की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कांडी नगर इकाई के तत्वावधान में जमा दो उच्च विद्यालय के प्रांगण में सदस्यों की बैठक विभाग के प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुभारंभ मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि एवं परिषद गीत से हुआ। बैठक में सबकी सर्वसहमति से नगर इकाई का पुनर्गठन किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष शिक्षक उदय पासवान, नगर उपाध्यक्ष पीयूष चतुर्वेदी, नगर मंत्री प्रिंस कुमार सिंह, नगर सहमंत्री पंकज कुमार, लकी कुमार, नगर मीडिया प्रभारी अविनाश विश्वकर्मा, नगर सोशल मीडिया प्रभारी रजा कुमार, स्वेब अख्तर, नगर एसडी प्रमुख इरफान खान, नगर एसएफएस प्रमुख विशाल मेहता, नगर कार्यालय प्रमुख नीरज कुमार मेहता, नगर कार्यकारिणी सदस्य राजन मेहता एवं विशेष आमंत्रित सदस्य साकेत मिश्रा को दायित्व सौंपा गया है। सभी को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास कुमार ने कहा कि विद्यार्थी परिषद राष्ट्र पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो राजनीतिक दल से ऊपर उठकर कार्य करता है। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता एवं परिषद कार्यकर्ता अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। वहीं नगर मंत्री प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी है, जिसके माध्यम से संगठन चलता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य केवल छात्र संघ चुनाव तक ही सीमित रहना नहीं है, बल्कि साल के 365 दिन कार्य करने वाला एकमात्र छात्र संगठन है। प्रिंस जी, यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आज कांडी प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुनर्गठन हो रहा था। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में विकास जी भी मौजूद रहे, उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और यहाँ पे नए नवयुवकों को जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व दिया गया है, इसमें मुझे भी नगर मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिन्हें दायित्व दिया गया है उन्हें मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उन सभी लोग अपने कार्यों को जो है बखूबी से निभाएंगे और अपने कार्यों को जो है अच्छी तरीके से निर्वहन करेंगे, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है स्थापना काल से ही छात्र के लिए कार्य करता है और एक छात्र का ही संगठन है। इसमें विद्यार्थी को अनुशासन भी सिखाता है, एक सामाजिक कार्यों को करना भी सिखाता है, तो कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के लिए एक प्रेरणादायक साबित होता है। तो मैं चाहूंगा कि सभी यहाँ के जितने भी आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व जिन्हें भी सौंपा गया है, ये सभी लोग अपनी कार्य को जो है बखूबी तरह से निभाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।